जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, चाय सभी की फेवरेट हो जाती है। आज मैं लेकर आई हूँ चाय की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे चाय की कैसी यूनिक रेसिपी हो सकती है। जी हाँ, आज हम चाय को बनाएंगे बिल्कुल अलग अंदाज में। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ ये कुल्हड़ वाली तंदूरी चाय। तो आपने मार्केट में इसको पिया होगा, तो चलिए घर पर बना लेते हैं ये टेस्टी सी कुल्हड़ वाली तंदूरी चाय। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये छोटे छोटे से कुल्हड़। तो इनको हमें गर्म करना होता है बहुत ज़्यादा, जब तक इनका कलर बिल्कुल से नहीं चला जाता है, ये इतने गर्म किए जाते हैं। तो मैंने दो जो बर्नर हैं उन पर रख दिया है कुल्हड़ों को, वो दो कुल्हड़ अच्छे से गर्म हो रहे हैं। और यहाँ मैं पैन में ले रही हूँ दूध। तो यहाँ पर मैंने फुल क्रीम बढ़िया सा दूध लिया है। तो 3 कप चाय बनाने वाले हैं और इसको हम बनाएंगे पूरा का पूरा दूध से। आप चाहें तो पानी भी मिक्स कर सकते हैं, पर दूध में जो टेस्ट आता है ना कुल्हड़ वाली चाय का, वो किसी और में नहीं आता है। तो फिर आप ना दूध से ही कुल्हड़ वाली चाय को इंजॉय कीजिएगा। तो यहाँ मैंने दूध को रख दिया है, जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। तो आज ये यूनिक सी चाय की रेसिपी अगर आपको पसंद आए ना तो सेव कर लीजिएगा, सर्दियों में बड़े काम आने वाली है। जब कभी बढ़िया सी चाय पीने का मन हो तो फटाफट से ये कुल्हड़ वाली चाय आप घर पर ही बना सकते हैं। और अभी दिवाली आ रही है तो कुल्हड़ घर में आ जाएंगे, छोटे छोटे भगवान जी को प्रसाद वगैरह भर कर रखे जाते हैं ना। तो अब ये दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है, तो यहाँ पर इसको मैं चमचे से नीचे बिठाती जा रही हूँ। अब बारी आती है चाय की पत्ती की। तो इस चाय की खासियत होती है जब दूध अच्छे से उबलने लगे, पकने लगे, वैसे तो पका हुआ दूध ही होता है और हमेशा चाय पके दूध की ही बनानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 3 कप दूध में 1 चम्मच पूरा समझ लीजिए भरकर चाय की पत्ती डाली है। और चाय की पत्ती तो आपके यहाँ के हिसाब से हो सकती है ना, जैसी भी आपकी पत्ती असर डालती हो दूध में। तो ये वाली चाय थोड़ी सी मीठी पसंद की जाती है, तो मैं यहाँ पर 3 कप दूध में 3 चम्मच ही चीनी ऐड कर रही हूँ। और अब ले लेंगे अदरक। तो अदरक को कभी भी ग्रेट करके मत डालिए, उससे कड़वापन आ जाता है। अदरक को हमेशा अच्छे से कूट कर डालिए। तो जितने अच्छे से अदरक कूटी हुई होगी, अदरक का टेस्ट उतना ही अच्छा चाय में आएगा। तो यहाँ पर मैं उलट पलट के कुल्हड़ों को बढ़िया से गर्म कर रही हूँ। आप देखिएगा कितना यूनिक तरीका है, मज़ा आ जाता है इस चाय को पीकर। कितनी भी थकान हो और सर्दियों के मौसम में ये चाय मिल जाए तो पूछिए ही मत। और इस तरह से एक बार चाय बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। जो कुल्हड़ वाला टेस्ट आता है, एक स्मोकी फ्लेवर आता है। इसी चाय को आप किसी रेस्टोरेंट में पियेंगे ना तो बहुत महंगी मिलेगी आपको। तो घर पर ही इसको बना लें बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। कुछ सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, जो वो ध्यान दीजिएगा, दूध पका हुआ होना चाहिए, साथ में दूध ही दूध की चाय बनानी चाहिए। और जब दूध में उबाल आने लगे तब हम इसमें डालेंगे चाय की पत्ती और चीनी। अदरक को हमेशा कूट कर डालें, कभी भी ग्रेट करके ना डालें। तो यहाँ पर चाय हमारी अच्छे से पक गई है, ये देखिए बढ़िया सी। तो इसको हम इस तरह से केतली में छान लेंगे। थोड़ी सी दूध और मलाई की चाय है तो छानने में दिक्कत आ रही है मुझे। इसको अच्छे से चमचे से मैं नीचे छान लेती हूँ और जो पैन है उसको हम दोबारा से धुल लेंगे। आप चाहें तो दूसरा बर्तन ले सकते हैं, दूसरा बर्तन क्यों बेकार करें। तो इसी पैन को मैंने धुल लिया है और फिर से इसको आँच पर चढ़ा दिया है। अब इसमें रखेंगे हम ये बिल्कुल आग से तपते हुए कुल्हड़। तो यहाँ पर इस कुल्हड़ को इस तरह से रखा जाता है और उसके बाद आता है असली तंदूरी और स्मोकी चाय का फ्लेवर और टेस्ट। तो ये देखिए गरम चाय को यहाँ पर डालेंगे और ये कुल्हड़ों से निकलकर बाहर आने लगती है, तब आता है पूरा का पूरा वही तंदूरी चाय वाला टेस्ट। और जो चाय पीकर मज़ा आता है पूछिए ही मत। तो यहाँ पर चाय को छानकर हमें डालना है, क्योंकि कुल्हड़ से ऊपर उबल कर जब चाय आएगी तो पैन भी हमारा साफ़ होना चाहिए। और ये देखिए बढ़िया सी जो मिट्टी वाली कुल्हड़ की खुशबू है ना, वो इस चाय में आ जाएगी। और कुल्हड़ को हमें कपड़े से पोंछना है, पानी से मत धुलिएगा, वरना जो एक टेस्ट होता है ना तंदूरी चाय का, वो ख़त्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसको इस तरह से डाल लेते हैं और फिर हम दूसरे कुल्हड़ में चाय को सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसको कप में डालकर भी पी सकते हैं, पर कुल्हड़ में पिएंगे तो मज़ा अलग ही आएगा। चाय का जो टेस्ट और फ्लेवर आएगा कुल्हड़ में वो तो पूछिए ही मत, एक चुस्की में ही मज़ा आ जाए। ऐसी है ये तंदूरी चाय। तो स्मोकी चाय वाला ये टेस्ट लीजिए इस कुल्हड़ में। तो यहाँ पर ये ठंडा कुल्हड़ है जिसमें मैं डाल रही हूँ ये चाय, और जितना अच्छा कलर है उतना ही अच्छा फ्लेवर है इस चाय का। कोई तामझाम नहीं है, बस फटाफट से बन जाएगी घर में ये तंदूरी चाय स्मोकी फ्लेवर वाली। अमेजिंग, बहुत अच्छा टेस्ट है। मैंने एक सिप ली है और मज़ा आ गया। आपको पसंद आई हो लाइक करें।